जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जो हमारा चैनल है उसका मकसद है कि जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना। लेकिन जो सच बात है, जो सत्य बात है, वो हम आपके सामने रखते हैं, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। तो क्या है ना कि जो कुछ ऐसी बातें होती है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है, वो हमें माननी पड़ती है। जैसे गुप्त धन की शक्ति, बराबर। अभी थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो होता है लेकिन वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ा सोचिए कि जो कुछ जो बिजली के तार में जो करंट होता है वो करंट हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बिजली के तार में करंट वो होता है, बराबर। ऐसी कुछ बातें होती है क्या, जैसे भगवान होते हैं लेकिन भगवान हमको लाइव आंखों से दिखाई नहीं देते, बराबर। वैसे ही दोस्तों राक्षस होता है लेकिन वो हम राक्षस से हम डरते हैं लेकिन वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसी कुछ बातें होती कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है क्या। लेकिन क्या हो गया है ना कि 90% झूठ और 10% सच, यही सब मतलब सभी जो कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐसी बातें हो गई, सिर्फ देश के जवान और देश के किसान ये दोनों छोड़कर। तो क्या है ना कि अभी थोड़ा सोचिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो अगर राम के पांव पड़ते, भगवान राम को मानते, भगवान राम के गुणों का वो आचरण करते, भगवान राम की शक्तियों को मानते, तो जो भगवान राम है, जो भगवान राम ने रावण को मारा, रावण को मारने के बाद भगवान चक्रवर्ती सम्राट बन गए पूरी दुनिया की और वो राम बन गए। मतलब राम है तो रावण है, राम की शक्तियां है तो रावण की भी शक्तियां है। अगर जो दिन है, दिन मतलब जो दिन है वो दिन में जो शक्तियां होती है वो राम की शक्तियां होती है, और जो रात है, जो अंधेरा है, उसमें रावण की शक्तियां होती है। जैसे एक सिक्का है, सिक्के की दो बाजू होती है, दो बाजू से एक सिक्का बनता है, एक बाजू से सिक्का कभी बनता नहीं। वैसे ही राम है, रावण है, भगवान है, राक्षस है, सब कुछ दुनिया में है। अभी जिसको जिसके पास जब तक पर्वत है उसको वो दिखता है, भगवान भी दिखता है और राक्षस भी दिखता है, राम भी दिखता है और रावण भी दिखता है, और जिसके पास जब तक पर्वत नहीं है उसको वो दिखता नहीं, ऐसी वो बातें होती है। तो क्या है ना कि जो गुप्त धन की शक्ति है, जो हमारा जो आज का मुख्य विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो होता क्या है कि जहां पर भी जो ये शक्तियां मतलब फैली होती है, किसी गांव में हो, किसी घर में हो, या किसी किले में हो, किसी खंडर में हो, कहां पर भी हो, ये अगर शक्तियां फैली हुई होती है तो वहां के आदमियों को वो सुख चैन वो मिलने देती नहीं। वहां पर पैसा आता है लेकिन उस घर में पैसा टिकता नहीं, उस घर का जो मुखिया होता है, जो बड़ा आदमी होता है, उसको चैन की नींद आती नहीं, हर व्यापार में लॉस, हर बिजनेस में लॉस, क्या ऐसी बातें होती है। घर में दुख होना, घर में किसी की बार बार मौत होना, जो घर के जो व्यक्ति होते हैं उनकी बार बार मौत होना, मतलब उस घर में परेशानियां परेशानियां चारों बाजू से परेशान उसको घेर लेती है। ऐसी निशानी है उस जो गुप्त धन की जो शक्ति, उसकी निशानी है, क्योंकि काली शक्ति होती है, उसमें आत्माओं का वास होता है और वो 100 साल 200 साल 300 सालों से उसका वो वास होता है उस आत्माओं का, वो धन पर, इसी वजह से वो घर को परेशान कर देती है। लेकिन हर अगर वो मान लीजिए कि वहां पर धन है, वो शक्ति भी आपको परेशान करती है, लेकिन वो निकलेगा भी धन, ऐसी बात नहीं होती, कि उसके लिए सब कुछ बातों का देखना बहुत जरूरी होता है कि वहां पर धन है या नहीं है, उस पर शक्ति कौन सी है, उस शक्ति की इच्छा क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका टाइमिंग कब है, मतलब पूरी बातें उसको देखनी पड़ती है। ऐसे किसी मशीन से हम अगर जो गड़ा हुआ धन है वो हम अगर हम ढूंढते तो मशीन से कभी गड़ा हुआ धन निकलता नहीं। अगर मशीन से अगर गड़ा हुआ धन अगर निकल जाता तो थोड़ा सोचिए कि जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट, उसके पास कितनी मशीन है, कितने इंजीनियर है, कितने मतलब साइंटिस्ट है, वो तो मतलब पूरी दुनिया का, पूरा भारत का खजाना वो निकाल लेती। जो गढ़ है, जो किले है, जो हमारे शिवाजी महाराज है उनके गढ़ है, किले है, जो राजवाड़े है पूरी दुनिया में, जो राजपूत लोगों के राजवाड़े है, वो तो मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट, जो साइंटिस्ट लोग पूरा मतलब हिंदुस्तान का पूरा धन निकाल लेते हैं और हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा अमीर बन जाता। लेकिन ऐसे मशीन से, साइंटिस्ट से, इंजीनियर से कभी धन निकलता नहीं क्या?
किसी साइंटिस्ट की आंखों से कभी भगवान दिखता नहीं, किसी साइंटिस्ट की आंखों से कभी रावण दिखता नहीं। उसके लिए जो आध्यात्म की दुनिया में जाना पड़ता है, जिसके पास आध्यात्म की शक्ति, उसको ही भगवान दिखता है, उसको ही रावण दिखता है, उसको ही गड़ा धन दिखता है, और उसको ही सब कुछ मिलता है। ये ऐसी बातें होती है। इसलिए पहला जो अपना जप तप पूरा हो बढ़ाइए, उसके बाद हर दुनिया की जो सच्चे आप वो जानना शुरू हो जाएंगे। और मुझे ऐसे बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, कोई बोलता है ऐसा झूठे वैसा झूठे, उनके पास तो कभी मतलब जब तक व्रत होता नहीं, भाई को भाई बोलते नहीं, बहन को बहन बोलते नहीं, माँ को माँ बोलते नहीं, और जो गुरु जी होते हैं हमारे जैसे उनको बुरा बोल देते, झूठ बोलते। ऐसे भी मतलब कुछ बहुत से ऐसे बेवकूफ लोग ऐसे है। पहले अपने आप को सुधारिए। क्या अगर हम किसी पर उंगली करते तो एक उंगली सामने वाले के ऊपर होती है, जो चार उंगलियां होती है वो हमारे ऊपर होती है, ऐसी बातें होती है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।